नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार विनोद की रसोई से। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा हरी मिर्च। आइए देखते हैं इसकी सामग्री और बनाने की विधि। आइए देखते हैं इसकी सामग्री। इसके लिए हमने आधा किलो हरी मिर्च ली है, जिसको धोकर मैंने सुखाया है, और इसमें जीरा लगाएंगे बीच में ऐसे। इसमें आधा किलो मिर्च में करीब इसमें ऐसे चीरा लगा देंगे, जिससे मसाला इसमें भर जाएगा। फिर मसाला देख लीजिए, करीब आधी कटोरी सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी और 3 चम्मच हरी सौंफ और 2 चम्मच सरसों और आधा चम्मच कलौंजी, नमक और 3 चम्मच इसमें पिसी कढ़ाई होगी यानी आमचूर पाउडर, और तेल, सरसों का हींग और 15 से 20 कली लहसुन, जो अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे। आइए सबसे पहले इसको भूनते हैं मसाले को। इसमें करीब 6 तरह के मसाले हैं, सौंफ, कलौंजी, सरसों, धनिया, मेथी और जीरा। इन सभी को हम धीमी आंच पे भून लेंगे। इनको हल्की आंच पे भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसको पीस लेंगे। ये मसाला पीस चुका है जो भुना हुआ था मैंने। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन, हींग पाउडर, खटाई, नमक, और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इसको हम मिक्स कर मसाला हमारा तैयार है। अब मिर्ची को ऐसे भर देंगे इसमें। इस तरह हम सारी मिर्चियां भर देंगे। इस तरह सारी मिर्चियां भर लेंगे, और थोड़ा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम इसको धुल के रखेंगे तो थोड़ा सुखा के ही इसमें भरेंगे, इसमें पानी ना रहे, तो मिर्ची ज्यादा दिन टिक जाती है। भरवा मिर्च हमारी भर के तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, और हरी मिर्च भरवा तलने के लिए हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे। अब इसको धीमी आंच पे हम पकने देंगे। ये कप लगभग भून चुकी है। अब इसमें लगभग 5 मिनट और लगेगा लगभग फ्राई होने में। मिर्च बनके अब बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। आइए इसको लगा लेते हैं प्लेट में। लीजिए, तैयार है भरवा हरी मिर्च। इसको आप पराठे के संग और दाल चावल के संग बहुत लोग पसंद करते हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।